यहाँ पर जो लॉन्च होगा वो तो ठीक है, पर लॉन्च के पहले प्रेस इतनी है कि पब्लिक क्या प्यार है, वाह हाय हाय, चलिए आइए। मेरा भी आप सबके प्रति बहुत प्यार है, इस बात पे ताली होनी चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच ऑल मीडिया। हेलो, इसकी जरूरत क्या है? हाँ, मुझे लगता नहीं है। बंद कर, नहीं नहीं, वो लगे कि ऐसे करके बोलो यार, समझा कर। अरे ऐसे करो ना, अभी करो आप, ऐसे लेटा हूँ मत, ऐसे करो, ऐसे। अरे ऐसे ऐसे कनेक्शन नहीं पकड़। थैंक यू सो मच ऑल मीडिया मेंबर, मैं आभारी हूँ आदरणीय सविता दीदी का जिन्होंने मेरे विचारों को ग्रहण किया। आप ऐसे कंटिन्यू। थैंक यू सो मच आभार सभी मीडिया बंधुओं का जिन्होंने अपना प्यार और आशीर्वाद मुझको प्रदान किया। आप सभी को बताना चाहूँगा कि बहुत जल्द हमारा एल्बम लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है अटल, और बहुत ही गौरवमयी की बात है कि हमारी आदरणीय सविता दीदी ने मेरे विचारों को समझा, जाना और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। जब मैं बॉम्बे आया तो हमारा सोमा जी का आशीर्वाद मुझे सदैव प्रदान होता रहता है, और हमारे आदरणीय बीएन तिवारी जी का भी मुझे सदैव आशीर्वाद प्रदान होता रहता है। जब मैंने अपने विचार दिलीप जी के समकक्ष रखे गानों को लेकर, तो बहुत ही अच्छा इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट किया, मगर मुझे खुशी उस बात की है कि हमारी आदरणीय लता जी जिन्होंने अपने जो विचार थे अटल जी के प्रति, उन्होंने इस गाने में पूर्ण रूप से पूर्णतः अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं चाहूँगा कि आगामी बहुत जल्द जब ये एल्बम रिलीज़ होगी तो हमारे बीच एक नया सिंगिंग सुपरस्टार सत्यम उपाध्याय, जिन्होंने इस गाने को बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया है, आज उसी की लॉन्चिंग है। मैं चाहूँगा कि आज की प्रेस वार्ता का जो मोटो है आदरणीय सोमा जी अवगत कराएं हमारी मीडिया बंधु को। हाँ जी, नमस्कार सबको। सबसे पहले तो मैं आज की इस महफिल में, मतलब जैसे हमारी बहन जी आई सोमा जी, अरुण बख्शी जी, और सबसे हमारी सुपरस्टार आरती जी, और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज की इस पूरे प्रोग्राम के जो मैन हीरो है, जो करता धरता है आर्यन जी, मैं इनका बहुत ही आभारी हूँ कि इन्होंने बहुत ही प्यारे सब्जेक्ट पे मुझे यानी दिलीप सेन को और मेरी लाडली बहन लता हया जी को चुना, और हम दोनों ने, भाई बहनों ने कोशिश की, और इसका जो खास इस प्रोग्राम का एक डायमंड जो है वह है हमारे सत्यम जी, इनकी आवाज़ में हमने ये गाना रिकॉर्ड किया। मैं एक खास बात आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि अभी तक मेरे 2000 से ऊपर गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं, सभी सिंगरों के साथ मैंने काम किया है, मगर सत्यम जी के साथ जब मैंने काम किया तो मुझे लगा कि ऐसा लगा ही नहीं कि ये लड़का पहली मरतबा मेरे साथ काम कर रहा है। क्या बात। और आप लोगों ने अभी इनकी आवाज़ सुनी भी, जो कॉन्फिडेंस है इसमें, उससे लगता है कि ये बच्चा एक दिन अपना मुकाम यहाँ इंडस्ट्री में बहुत प्यारा मुकाम बनाएंगे, जैसे और दूसरे सिंगरों ने बनाया है। और मैं खास करके यही कहूँगा आर्यन जी को कि आर्यन जी जब भी आते हैं कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, और इस बार भी जो अटल जी के लिए ये लेके आए कि शून्य से शिखर तक, ये जो टाइटल है इसको निभाने के लिए अगर कोई सही माने में अगर राइटर चाहिए था या कोई सोच चाहिए थी जो अटल जी की सोच से मेज खाती हो या वहाँ तक पहुँच सके, वो मुझे नहीं लगता कि लता हया जी के अलावा कोई हो। तो मैं चाहूँगा एक बार लता जी के लिए कई तालियाँ बजाई जाए, क्योंकि लता जी ने इसमें कलम तोड़ दी, और बाकी हम सब ने जो भी मेहनत की वो आपके सामने है। आप लोगों ने गाना सुना, और इसके जो मतलब आर्यन जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आदमी शून्य में ही रहता है, लेकिन अपना संघर्ष, अपनी ऊर्जा
अपनी आदर्श से ही आदमी शिखर को छू पाता है। तो आर्यन जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि अटल जी के याद में जो वो कर रहे हैं, ये शून्य से शिखर तक ये बहुत लोगों को इंस्पिरेशन देगा। और आज जो संगीत का लॉन्च हुआ, ये संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन जी को कौन नहीं जानता है। हाँ, तो इन्होंने अपना जादू बिखरा, ये तो क्या बने क्या कुछ मैं क्या कहूँ इनके बारे में। इन्होंने इतने हिट्स सॉन्ग दिए हैं, आर्यन जी की सौभाग्य है कि दिलीप जी ने इसको सुर में बांधा है और लता जी ने महसूस किया है अटल जी को। कहते हैं ना कि कलम कलम ही तो सब कुछ है, कि अटल जी जैसे प्रधानमंत्री बहुत कम मिलते हैं, जो एक राजा, क्योंकि राम को क्यों हम लोग याद करते हैं, क्योंकि राम थे एक आदर्श राजा जो अपने पत्नी के साथ भी राजा का ही सलूक किया कि राजा इम्पार्शियल होते हैं। और अटल जी हमारे ऐसे ही प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने अटल जी को इतनी सुंदर तरीके से उनके चरित्र को लिखा है। क्या मैं आपको बहुत अभिनंदन देती हूँ कि ये गाना लोगों को इंस्पिरेशन देगा। और ये सत्यम इतना शुभाल कलाकार है और उसने इतना सुंदर तरीके से इसको गाया है। डेफिनेटली जैसा दिलीप जी ने भी कहा है, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है और सत्यम को बहुत अच्छा माता पिता मिला है, तभी जाके जब तक, हाँ, ये मुकाम तुम्हारे माता पिता को तुम हमेशा सर पे बिठा के रखना, जो तुम्हें इतना मौका दे रहे हैं, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। और सबसे सर्वोपरि हमारे आर्यन जी जो अटल जी को गुरु मानकर, मानस गुरु मानकर, आगे आदर्श मानकर आगे बढ़ रहे हैं, कि समाज को कुछ दे रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम समाज को कुछ दें। सभी को धन्यवाद। सबसे मुख्य है कि आप लोग, आपका कलम, आपका आप ही तो लोगों को बनाते हैं, गिराते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इनकी जो प्रयास है, इनकी जो संकल्प है, आप एकदम पूरी दिशा में फैला दें। सब लोग आए हैं, सभी को हमारा नमस्कार। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज ये जो बाढ़ आई हुई है मीडिया की, इस मीडिया की बाढ़ के जो सबसे बड़े हीरो हैं हमारे, वो है रमाकांत मुंडे जी। रमाकांत मुंडे जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मुंडे साहब, मेरा 2 सेकंड आइए, आप आगे आज इस शो के खास हैं। मुंडे साहब बोलिए। धन्यवाद आपको। पत्रकारों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो आर्यन मिश्रा जी को आज जो उनका जो अवार्ड होने वाला है उसका टाइटल सॉन्ग लॉन्च किया उन्होंने आज, और बाकी मेहमानों को भी सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत अभिवादन और धन्यवाद अदा करती हूँ, और सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गाने को पसंद किया। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा बीज होता है वृक्ष वैसा ही उगता है, तो ये जो टाइटल है ये अपने आप में इसमें इसने बीज का काम किया है। जैसे ही आर्यन जी ने ये टाइटल दिया शून्य से शिखर तक, वैसे ही मेरे अंदर तक जैसे एक सिहरन सी दौड़ गई, और मैंने सोचा कि इसको जस्टिफाई पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मुझे याद है कि नीरज जी ने कहा है कि अगर इंसान होना भाग्य है तो कवि होना सौभाग्य है। क्या बात है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि उसने मुझे अल्फाज का एक जो दिया है उसको अरेंज करने का जो हुनर दिया है, और मैं आज सौभाग्यशाली इसलिए भी हूँ कि मैं ऐसी दो विभूतियों के बीच में बैठी हूँ, तो वाकई आज सौभाग्यशाली हूँ। तो उसका कर्म है। मैंने हमेशा ऐसा माना है कि जो ईश्वर है और जो खुदा है वो इंसानों को चुनता है ख़ास काम करने के लिए। ये इनको आवाज़, उनको म्यूज़िक, उनको काम करने का जज्बा, उसको एक बहुत अच्छा गला, तो उसने भी मुझ नाचिस को चुना लिखने के लिए। तो मेरा हर एक कलाम खुदा का कमाल है, वरना कलम भी हाथ में लेना मुहाल है। क्या बात। तो मैं कुछ नहीं कहती, वो कहलवाता है। और बस ये होता है कि कुछ काम करने के बाद आपको तसल्ली होती है। हम लोग बहुत काम करते रहते हैं, बहुत शोज, कवि सम्मेलन, मुशारे पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ काम करने के बाद जो तस्कीन, तसल्ली रूह को मिलती है, वो ये है जो आज ये जो गीत है इसको करने के बाद मुझे भी अंदर तक जैसे कुछ भर गया। और आर्यन जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैंने पहले भी कहा था कि हुस्न हर शय पर तवज्जो की नज़र का नाम है, बारह कांटों की रानाई ने चौंकाया मुझे। तो
वो नजर पार की जो कांटों की भी चमक को देखती है वो होती है कमाल की। तो उनकी ये नजर है, वो पहले औरत सब्जेक्ट लेके आए, अब वो अटल जी लेके आए, अगला भी कुछ बहुत अच्छा है वो खूबसूरत सब्जेक्ट लेके आएंगे। तो वो प्रेरित करता है सामने वाले की सोच। और मैं दिलीप जी का तो बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे भाई जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो गुरु है, क्योंकि इनके साथ बैठ के हम एक पोएट की हैसियत से अपनी मर्जी से लिखते हैं, लेकिन जब लिरिक्स लिखते हैं तो हमको सबको देखना पड़ता है कि हम प्रोड्यूसर की क्या जरूरत है, म्यूजिक डायरेक्टर की क्या जरूरत है। तो दिलीप जी के साथ बैठ के मैंने वो सीखा। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि उनका बड़प्पन है कि राइटर जो कहता है वो उसको मानते हैं, बोलने देते हैं, और उसमें वो अगर कोई सुझाव भी होता है उसमें चेंजेस करते हैं। तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इसलिए हम लोग की, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं बहुत काम किया हुआ है, लेकिन एक एक जो केमिस्ट्री होती है बहुत प्यारी प्यारी सी हमारी। और मुझे लगता है कि अगर दिलीप जी, शायद आप इसको म्यूजिक नहीं देते बैठ के, तो शायद ये गाना फिर भी इंसाफ नहीं कर पाता। नहीं, शब्द ऐसे थे जी, नहीं चमन में रंग वो अखलाक से कुछ बात बनती है, हम ही हमें तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। और फिर उस सबसे बढ़कर ये जो बच्चा है, मतलब ये लग रहा था, मैं और मेरी आदत है मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ, जो भी होता सच बोल देती हूँ। तो मुझे लग रहा था पता नहीं ये बच्चा उसे गा पाएगा कि नहीं गा पाएगा, क्योंकि वो शब्द अपने आप में इतने मजबूत है। देखिए शब्द मेरे नहीं है, शब्द मौजूद हैं पहले से, ये है कि आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हो। राइटर अपने तरीके से इस्तेमाल करता है, म्यूजिक डायरेक्टर अपने तरीके से इस्तेमाल करता है, सिंगर उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। तो मुझे था पता नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गाना सुन के क्योंकि इसने बखूबी निभाया। और फिर अभी तो ये कि आगे आगे देखिए होता है क्या, लिफाफा देख के मजमून बाप लेते हैं, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उसने बहुत अच्छा गाया सत्यम को, और उनकी मदर को भी कि उन्होंने अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए इतना लंबा सफर तय किया। मुंबई से आए तो दिल्ली से खास आए, दिल्ली से आए तो कई पत्थरों से उलझना है तुमको, अभी तो बहुत दूर चलना है। उसकी माँ हिंदी की प्रोफेसर है, इसलिए खून में वो आया है। तो बस मैं और आप सबका शुक्रिया अदा करके करके मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करती हूँ। ऊपर वाला आप जाना चाहेंगे, आप बताइए इस गाने को कैसे आपने किया। तेरा स्वाभिमान सम्मान अटल, तेरा ज्ञान गूढ़ संज्ञान अटल, तेरी आन बान और शान अटल, तेरी वाणी और तेरा तान अटल। ऐसे भाव, ऐसी एक टॉपिक जिनमें मैं तो इतना काबिल भी नहीं हूँ कि मैं किसी को नाम से बोलूँ, बट आज ये गुस्ताखी करूँगा। श्रीमती लता हया जी ने जिसमें अपने शब्द पिरोए, जिसमें दिलीप सेन जी ने अपनी धुन दी, और जिसको मैंने गाने का प्रयास करा, और ये सब आर्यन जी की छत्र छाया में हुआ, आर्यन सर की वजह से हुआ। तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जो ये कॉज है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं अमन आर्यन सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी यहाँ पर आए, आप सभी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। अपने माता पिता के चरणों में नमन करता हूँ, और उसके बाद अपने गुरु जी के चरणों में नमन करता हूँ, और भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस अवसर प्रदान। बहुत अच्छा, आज मुझे लगता है कि अटल जी के साथ में मेरी पाँचवीं मुलाकात है। इतना अच्छा गाना, इतना अच्छा म्यूजिक, इतना अच्छा एम्बियंस, इतने अच्छे मेहमान। मुझे याद है 2000 में हमने, आई वॉज वन ऑफ द ज्यूरी मेंबर फॉर स्क्रीन अवार्ड्स, उसमें हमने उनकी जो रचना थी यथार्थ, उनकी जो एल्बम थी जिसको, पूरी एल्बम को जगजीत सिंह साहब ने गाया था और अटल जी ने उसको लिखा था। आई फॉट विद स्क्रीन अवार्ड गाइज, स्क्रीन अवार्ड एडिटर, एंड आई टोल्ड देम के अटल जी इज मच बेटर देन एनी लिरिसिस्ट, एनी शायर। ये जो मुझे 250 कैसेट दी है, उस जमाने में कैसेट का ज़माना था, और उनकी रचना इतनी खूबसूरत थी, उसमें उनको अवार्ड मिला था। दैट वॉज माई फर्स्ट मुलाकात विद अटल जी, बींग ए जज इन दैट स्क्रीन अवार्ड्स। उसके बाद मैं उनसे मिला उनके घर में, तीसरी बार वो आए थे हमारा प्ले देखने, NCPA, ग्रेट मैन। और ऐसे लोग जो हैं, दे आर टाइमलेस, दे आर एजलेस, ये अगले हजारों साल तक हमारे दिलों में, हमारे भारत माता में ये याद रहेंगे। ये एक हीरे हैं, कोहिनूर हैं,
जिनकी विचारधारा आज भी चल रही है उसी को आज का जो रिजीम है उसको आगे बढ़ा रहा है, जो उन्होंने सोचा था आज उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये जो गाना है ये एक इतना खूबसूरत गाना है, ये उन्हीं की विचारधारा को आगे बढ़ाया है इन्होंने, और लता जी ने बहुत अच्छा लिखा है। एंड एज यूजुअल दिलीप साहब का फ़ोन बज जाता है बीच में जब मैं इनकी तारीफ करने लगता हूँ। ही हैज़ डन एक्सीलेंट जॉब एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर। आरएनजी, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब। एंड सत्यम, आपने बहुत अच्छा गाया है। एंड विश ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट कि ये जो गाना है इसके बाद में सत्यम जी और भी गाने बनाएं, बनवाएं, लिखें, लिखवाएं, ये महफिल चलती रहनी चाहिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मुंडे जी कि आपने इतनी खूबसूरत महफिल को सजाया है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। आरती जी, आरती जी, आज का दिन है ना बहुत सुंदर है दिलीप जी। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि दिलीप जी मेरे परिवार जैसे हैं, मेरे पिता समान हैं, बचपन से मुझे जानते हैं, कितना उनका आशीर्वाद है मेरे सर पर। और मुंडे जी तो हमारे भाई, आपको सबको पता ही है। तो मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ आर्यन जी को कि आपने इतना सुंदर सब्जेक्ट सुना चुना है। आज कारगिल विजय दिवस है, आज कारगिल विजय दिवस है, और हम हमारे देश के जवान, हमारे लोग, हमारे देश के लिए जो लड़ते हैं, जो बोलते हैं, जो हमारे देश को प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे अटल जी, तो हम सब इनका सम्मान करते हैं, इनको तारीख दिन पर याद करते हैं, उनके लिए दो शब्द बोलते हैं। तो इन्होंने आज ये गाना रिलीज़ किया है तो ये तो अपने आप में अटल है गाना। क्या बात है। और लता जी ने उनको इतनी अच्छी तरीके से लिखा है, आपने इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं लिखती हूँ थोड़ा बहुत कुछ लिखती हूँ, क्या बात है, बट इनकी लेखनी के सामने तो बस वाह वाह है। बहुत 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 सुंदर लिखा है। और ये बच्चे ने तो इतना सुंदर गा लिया कि मतलब मैं किसी भी बड़े सिंगर के साथ में उसको कंपेयर नहीं करूँगी। ये अपने आप में एक आइडेंटिटी है। और सबसे बड़ी बात कि सत्यन ने अपने माँ बाप को, अपने गुरु को और यहाँ बैठे सभी मेहमान, बहुत पद्मश्री बैठे हैं और इनकी इतनी रिस्पेक्ट की है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि बच्चों के अंदर जब आप बड़े होते हो, कुछ बनते हो, तो आदर, सत्कार और सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। तो यू हैव डन दैट वेरी गुड जॉब, गॉड ब्लेस यू। आई विश कि तुम और भी ग्रो करो, आगे बढ़ो, जिंदगी में बड़ा नाम कमाओ, बड़े बड़े हीरो के लिए गाने गाओ, और देशभक्ति के गाने बहुत ज़रूरी है गाना। आर्यन जी आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि एक मेरे जान पहचान के हैं मोतीलाल जी, उन्होंने मुझे बोला कि आजकल इंडिया में देशभक्ति की फिल्में और देशभक्ति के गाने बहुत कम हैं। जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है ना, तो गाने वही पुराने बजाने पड़ते हैं, नया कुछ भी होता नहीं है। तो अभी ये गाना बजेगा। हाँ बेशक, अभी आ रही है 15 अगस्त, तो ये गाना ज़रूर बजेगा। दिलीप जी आपने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, आपने बहुत अच्छा लिखा है, आपने बहुत अच्छा गाया है। और अरुण बख्शी जी बहुत अच्छे हमारे बोले। साथ हैं, हमारे हमेशा बचपन से साथ हैं, हमने बहुत सारा काम किया है पिताजी। मेरी आइटम सॉन्ग में ये मेरे साथ में थे। और सबसे बढ़ के ना सरस्वती पुत्री का आशीर्वाद, शोमा जी का आशीर्वाद, जो मेरा बहुत बड़ी बात है। शोमा जी ने आशीर्वाद दे दिया तो समझ लीजिए कि मेरे गाने को बहुत इज्जत अफजाई मिली। कौन सा गाना पूछ रहे हैं? कुछ सवाल पूछा उन लोगों ने, आपने सुना नहीं आपके बारे में। कौन सा गाना यार? एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी, बहुत काला साम्राज्य, काला साम्राज्य उसका गाना था, उसमें मैं बहुत बुरा आदमी था और ये बहुत अच्छी डांसर थी। शी डिड अ वंडरफुल जॉब, उसमें अमरीश पुरी भी थे, एंड इट वाज अ वंडरफुल सॉन्ग। बट एनीवे, एक अलाप दे दीजिए, आपका जाता क्या है? नहीं वो नहीं, आज की महफिल हो जाएगी वो गाने की। नो बच्चा, आज की महफिल इनकी है, एक अलाप दे दो, आपका जाता क्या है? झिरझिर बरसे सावन रस बुद्धिया के आई गई लेना, अब बरखा बहा क्या बात आई गई लेना,
ये ठुमरी है ना, ये कजरी है, कजरी है। गाना एक्चुअली क्या है कि इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन जिसके साथ में आने वाले कल का फ्यूचर जो है सत्यम, एक खूबसूरत लड़का, एक भविष्य है म्यूजिक का, अच्छा गाया है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी म्यूजिक बनी है, लता हयाजी ने लिखा है और लता हयाजी ने तो एक मानी जानी हस्ती हैं, सारे कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। यहाँ तमाम आप सारे लोग इसमें शरीक हो रहे हैं, तो लता जी आई हैं, अरे क्या बोलते हैं कि शोमा जी, आरती जी, आरती नागपाल, एक महान कलाकार यहाँ बैठा हुआ है, सबका बाप अरुण अरुण बख्शी, हमारे दोस्त भी सब आए हुए हैं, अम्मू जी आई हुई हैं, मैं सबको धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात कि पद्मश्री शोमा जी का सानिध्य मिला है, संगीत की देवी हैं ये, वाह वाह, इतने लोगों के कम्बिनेशन से जो चीज़ बनेगी वो अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी और रियली बहुत अच्छा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन, आर्यन को क्या बोले, आर्यन तो बहुत हिट है, किधर है भाई, दिखाई नहीं दे रहा। आर्यन साहब का बहुत बड़ी मेहनत है भाई, आर्यन ने सोचा तो अच्छा सोचा है और तुम्हारी सोच को हम सलाम करते हैं, कुछ और सोच सकते थे मगर तुमने ज़्यादा सोने से अटल की बात सोची है तो बहुत बड़ी बात सोची है, हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा सोचा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। एक एक क्वेश्चन है, आप दुबई जा रहे हैं सर, उसके बारे में बताइए क्या है वो, उसके बारे में कब जा रहे हैं सर? नहीं आज ही जा रहे हैं, आज रात में जा रहे हैं। सब खबर रखते हैं आप सबकी? हाँ, नाम अब्दुल है मेरा। अरे हाँ, दरअसल क्या है कि हम दोस्ती को ज्यादा महत्व देते हैं न कि दुबई को। उसको मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगा तो मैं जा रहा हूँ। एक बालक जो है तमाम तरीके से भाग दौड़ करके इस मुकाम तक आया, मंजिल तक पहुंचा है, उसको हम सबका सपोर्ट मिलना चाहिए। विरोध में तो हजारों हाथ आ गए हैं, सपोर्ट में आना चाहिए। सही बात, हर किसी को तरक्की करने का हक है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास सारे सुविधा हो तो ही आप तरक्की करें, कोई भी कर सकता है। हम में से सारे लोग जो बैठे हैं ये सारे शून्य से अटल हुए हैं, आज इनकी तस्वीरें खींची जा रही, इनकी बातें सुनी जा रही है। हम उस समय से लोगों को जानते थे जब खुद की तस्वीर देखकर लोग परेशान थे, आज लोग देखना चाहते हैं। तो क्या बोलते हैं आप? मैं सबको नहीं, फैक्ट है, बहुत अच्छा। मेरे शुरुआती दौर का मैं तो इनके साथी हूँ, 80 के दशक में इनकी शक्ल देखने के लिए मैं ज्यादातर खड़ा रहता था बाहर बिहार के, ये है बी एन तिवारी साहब। अच्छा अच्छा, जी सही है ना? मुझे तो वही भाई, हमको आशिकी का वो ज़माना याद है जहाँ की ये बी एन साहब बोल रहे हैं बिहार, वहाँ पे एक भाटिया साहब हुआ करते थे, करेक्ट है, हम वहाँ पे जाते थे, उनसे बोलते थे हमको डबिंग सीखनी है, हेलो हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ, हम वहाँ पे जाते थे उनसे बोलते थे कि हमको डबिंग सीखनी है, और वो बोलते थे आधा घंटा दो घंटा देख लो उसके बाद नीचे जाके टेक करो। वहाँ पे बी एन साहब थे और उसमें हमारी प्यारी सी भाभी चंपा जी थी, वो ज़माना बहुत खूबसूरत था, इनोसेंट था, उसमें ये नहीं था, ये नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से आया है, हमारी इनोसेंस चली गई है, हमारी मासूमियत चली गई है। वो खूबसूरत टाइम आज अगर हम साथ में बैठे हैं, दिलीप बैठे हैं, बी एन बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, एवरी वन, तो इट्स ए ब्लेस्ड टू बी अ फ्यू चोजन वन, वी आर फ्यू चोजन वन जिनको ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया है। तो इसलिए बम भोले, बम भोले, दैट्स इट। सतन जी चलते चलते आप एक लाइन अगर गाना चाहोगे और उसके बाद एक लाभ दे दो, और आपका जाता क्या है, क्या जाता क्या गाना? शून्य से शिखर तक, मौन से मुखर तक, प्रारंभ से कबल है, प्रारब्ध से सबल है। क्या बात है, बहुत सुंदर। बताना चाहूँगा कि बोला भाई हमारे आदरणीय बी एन जी का हमें सदैव
आशीर्वाद मिलता रहता है और आई होप कि आने वाले आगामी कार्यक्रम जो अटल सम्मान समारोह है उसके लिए भी आप सभी मीडिया बंधुओं का मुझे प्यार आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि सभी जानते हैं लता जी, शोमा जी और आदरणीय बीएन जी और सभी अतिथि गुरुजन आए हुए हैं, सभी का आशीर्वाद प्यार सहयोग मिल रहा है। मुझे लगता है कि जीवन में कुछ हटके करना चाहिए, जैसा कि लता जी, शोमा जी और भी सभी अतिथि जानते हैं। पिछली बार मैंने जब श्री नारी सम्मान का कॉन्सेप्ट रखा तो मुझे खुशी इस बात की कि मेरे कॉन्सेप्ट को यहाँ के लोगों ने, यहाँ के ऑर्गेनाइजर ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैंने देखा 2 साल से नारी सम्मान, नारी रत्न सम्मान, मतलब मुझे लगता है कि 500-600 नारी बेस पर अवार्ड सेरेमनी हो चुकी है। फिर हमने कहा ऐसा क्या करें, तो मुझे लगा कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक मॉडलिंग शो नहीं किया। इससे पहले मैंने स्वराज अवार्ड सुषमा जी की पुण्यतिथि पे किया, राजेश खन्ना जी पे पिछले कई वर्षों से मैं करता आ रहा हूँ मस्तानी शाम काका के नाम। उससे पहले मैंने पारिकर अवार्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सबका जो देश समाज के लिए विशेष योगदान है, जब तक हमारा यूथ जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। बातें तो विवेकानंद जी की सभी करते हैं, मगर उनके विचारों को कोई ग्रहण नहीं करता है। मुझे लगता है कि जब हम अटल सम्मान पे लगातार कार्य करेंगे और आप सभी के समक्ष अगस्त माह में ये कार्यक्रम होना है, तो कुछ व्यक्ति अगर यूथ हमारा पढ़ेगा, जानेगा, समझेगा, तो 1-2% तो परिवर्तन हो सकता है। थैंक यू सो मच। एक बात मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ इन सबसे बढ़ के भी एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद है, वो एक माँ, माँ से बढ़कर कुछ भी ऐसी माँ को चाहूंगी जो जिनके इस बच्चे के पीछे माँ की मेहनत है, सबके पीछे माँ की बहुत बड़ी मेहनत है, तो मैं चाहूंगी कि माँ को हम सारे जो है मौजूद यहाँ पर माँ की वजह से, मगर मेरी नकली माँ भी यहाँ है, आइए नहीं तो सारी माँ बोल सकती। मैं चाहता हूँ 2 शब्द अरुण जी, इन सबकी इस तरफ घूम जाइए, अभी आपकी फरमाइश, हम एक एंकर बन जाते हैं आपके लिए। इन सबकी इच्छा है, हम सब यहाँ पर बैठे हैं, आपके मुंह से आपकी प्यारी प्यारी कविता या आपका प्यारा प्यारा गान सुनना चाहते हैं, प्लीज दो लाइन। लेकिन एक बात है, ही इज नॉट पिताजी, ही इज नॉट पिताजी। एक था विलन, बात खत्म हो गई, इस बात पे ताली हो जाए। ये आशिक है ए छोटे, ये आशिक है, मोहब्बत करने वाला है, कारगिल दिवस है आज, देशभक्ति हो जाए कुछ। हाँ, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। तिरंगा 3 रंग का चोला, जिसको पहन के भारत बोला, हर भारतवासी है शोला, दुश्मन समझ ले जो मैं बोला, बोला बोला बोला, वंदे मातरम, 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 ओए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बाय द वे, ये गाना लिखा गया था श्री मनोज कुमार जी ने, इसका संगीत हमने दिया था, गाया भी हमने था, कभी कभार ऐसा पागलपन होता है। हाँ बहन जी बोलिए। मैं यहाँ बैठे सभी आदरणीयों को मैंने नमस्कार करती हूँ, और मुझे बहुत गर्व होता है आयरन के ऊपर कि वो इतने अच्छे अच्छे कार्य करता है, इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम करता रहता है। वाह। मैं यही चाहती हूँ कि आप सब लोग अगर इसका इसी तरह से आप सबका प्यार और आशीर्वाद इस पर रहेगा, तो आगे भी काफ़ी अच्छे कार्य, अच्छे 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 कार्यक्रम करता रहेगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों का इस आशीर्वाद और सहयोग है। वाह।